सब पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स के बारे में बताएं कि एक बार एक व्यक्ति लिटरेट हो गया, उसके बाद जो आपके द्वारा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनसे क्या सुविधाएं दी जाती हैं? देखिए, जो हमारा पहला नेशनल लिटरेसी मिशन था उसमें ये एक अप्रोच था कि पहले आप लिटरेसी देते हैं, फिर उनको पोस्ट लिटरेसी देते थे, फिर उनको आप कंटिन्यूइंग एजुकेशन के फेस में लाते थे। लेकिन जो हमारा अब का प्रोग्राम है, जो साक्षर भारत का है, देयर वी कंसिडर कि एक एक कॉन्टिन्यूम है, ये एक लगातार धारा, ये नहीं हो है कि फेजेज में किया जाता है कि लिटरेसी फिर उसका पोस्ट लिटरेसी। लेकिन जो अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स हैं हमारे, जी वहाँ पर जो न्यू लिटरेट्स का खास उनके लिए किताबें, उनके लिए पुस्तकें, उनके लिए अखबारें, उनके लिए हर तरीके का रीडिंग मटेरियल वहाँ पर्याप्त है। लेकिन उससे भी बड़ा जो पोस्ट लिटरेसी है वो ये है विच हैज़ बिन देयर नाउ बाई टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब कि अगर आप नरेगा में हैं और आपको अपना कार्ड भरना है जी तो आपकी पोस्ट लिटरेसी तो अपने आप होगी, क्योंकि आपने जो सीखा अब आप उसको कर रहे हैं। अगर आपके ने कोई अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, कोई आपको कोई और चीज़ यूज़ करनी है, क्योंकि इवन टीवी, जी उसको चैनल्स, कितने चैनल्स आ गए हैं, कौन सा लगाना है, कैसे करना है, दीज आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ लिटरेसी। राइट तो जो पोस्ट लिटरेसी है वो आज के दौर में अपने आप वो काफ़ी उसको प्रयोग में आ जाता है और उनकी प्रैक्टिस और एप्लीकेशन रहती है। और बहुत सारे एनजीओज भी ऐसे हैं जो बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं इस दिशा में, जो गांव-गांव तक जाके, इंटीरियर्स तक जाके शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, यहाँ तक कि टेक्निकल एजुकेशन तक दी जा रही है, कंप्यूटर तक मुहैया कराए गए हैं गांव-गांव में जाके। तो इस तरह से एनजीओज के साथ मिलके आपकी क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं और एनजीओज को सपोर्ट करने के भी प्रोग्राम्स हैं? देखिए, ये जो साक्षरता का मुद्दा है ये केवल सरकार के अभियान से नहीं अचीव किया जा सकता है। इसमें कम्युनिटी का पूरा संगठन, उनका पूरा सपोर्ट, उनकी पूरी एसोसिएशन रहती है। इसी तरीके से सिविल सोसाइटी, जो एनजीओ हैं, उनका भी पूरा सहयोग लिया जाता है। और साक्षर भारत में भी ऐसे प्रोविजंस हैं कि जैसे ट्रेनिंग करना है, जैसे काउंसलिंग करना है, जैसे मोटिवेशन, एनवायरनमेंट बिल्डिंग करना है। तो कई ऐसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जो एनजीओस के द्वारा उनको करने का इसमें प्रोविज़न है। तो इसके अलावा कुछ ऐसी अच्छी केस स्टडीज, इंस्पायरिंग आपके सामने आई कि कोई गांव ऐसा चैलेंजिंग रहा हो जब लगा हो कि काफ़ी टाइम लग सकता है यहाँ पे टोटल लिटरेसी आने में, लेकिन उन लोगों ने इतनी कीननेस दिखाई हो कि जो काम सोचा जा रहा था कि मुश्किल है वो बहुत ही आसानी से हो गया। तो ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुए, ऐसे कुछ केस स्टडीज सामने आई आपके? देखिए, केस स्टडीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 2 लाख गांव में हम लोग काम करते हैं। कई सरपंच साहबान हैं जो बहुत हिम्मत से आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग ले लीजिए, यहाँ पे एडल्ट एजुकेशन सेंटर बनाइए, यहाँ पे हम कम्युनिटी से ही टीवी भी रख देंगे, कंप्यूटर भी रखेंगे। ऐसे भी हैं, कई जगह पर महिलाएं आगे आई हैं और उन्होंने अच्छा कहा है कि जी हम पूरा अपने गांव को पूरा साक्षर करेंगे। तो तरह तरह की इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं कि उनका बयान करना अभी इतने छोटे प्रोग्राम में मुश्किल है, लेकिन अगर जब उनको सुना जाए तो बहुत ही एक अद्भुत और बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है कि ऐसा भी हो सकता तो है। 2001 में जब पिछली दफ़ा आंकड़े लिए गए थे और अब 2011 में आंकड़े लिए गए जिसमें आपने बताया कि 74% जनता जो है, पॉपुलेशन जो है इंडिया की, वो लिटरेट हो चुकी है, तो उसमें इस 10 साल के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया? कौन सी ऐसी आपकी प्रोग्राम्स रहे जिन्होंने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए? इससे सबसे जो इम्पोर्टेंट अप्रोच रहा है वो ये रहा है कि 6 से 14 उम्र के जो बच्चे हैं उसमें सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम लाया गया। हर गांव-गांव में स्कूल खोले गए, जी तो उस कारण रिजल्ट उसका ये हुआ कि जो नॉन लिटरेट की पॉपुलेशन है उसमें उसका जो इंक्रीज होना था उस पर पाबंदी लगी। क्योंकि जब आपने बच्चों को ही पढ़ाना शुरू कर दिया जी तो वो 15 साल, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है 15 साल से बड़ों की नॉन लिटरेट का है, तो 6 से 14 को जब हर जगह स्कूल मिल गए, बाकी चीज़ें मिल गई, तो वो पढ़ने लग गए। 100% एनरोलमेंट उधर हो गया। उसके साथ साथ जो नेशनल लिटरेसी मिशन था, और 2009 से अब वो साक्षर भारत एक रिवैम्प्ड मिशन बना, तो इधर जो 15 साल से ऊपर थे उनको एड्रेस किया गया। जी
तो दोनों को जब इकट्ठा एड्रेस किया गया तो लिटरेसी लेवल्स हैव स्टार्टेड गोइंग अप. नहीं तो पहले ये होता था कि अगर आप नॉन लिटरेट 15 साल की उम्र के बड़ों को करते हैं तो उधर जो बच्चे पूरे अभी पढ़ नहीं रहे तो इधर ऐड होते जा रहे हैं, तो आप इधर एडिशंस हो रही हैं और उधर आप करते जा रहे हैं. तो दोनों प्रोग्राम जब साथ साथ चले तो उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला. तो आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक भी हैं जो आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपकी बातें सुन पा रहे हैं. ऐसे में अगर कुछ लोग ये महसूस करते हों कहीं इंटीरियर्स में कि हम पढ़ना चाहते हैं पर हम तक कोई अप्रोच अभी तक नहीं आई, या हमें किसी ने अभी तक नहीं हमारे घर के दरवाजे तक पहुंचा और हमें बताया कि ऐसी भी सुविधा है, वो लोग क्या कर सकते हैं? कहीं पे लिख सकते हैं, कहीं सबसे पहले तो वो ये कर सकते हैं कि अपने सरपंच साहब के दरवाजा खटखटाएं और कहें कि ऐसा प्रोग्राम है और हमारा प्रोग्राम हमारे गांव में क्यों नहीं चला है. तो उसका सबसे अच्छा सिस्टम तो यही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर ग्राम पंचायत में हमने ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है उस ग्राम पंचायत के माध्यम से ही करने का सोचा है. जी, और आपने बहुत ही अच्छी बात बताई थी कि आज लोगों में खुद में ये चाह है कि उनको समझाना नहीं पड़ता कि शिक्षा की अहमियत क्या है, वो खुद आगे आ रहे हैं. लेकिन फिर भी अगर कुछ गिने चुने लोग ऐसे हों जो आज भी झिझकते हैं या ये मानते हैं कि भाई काम तो चल ही रहा है तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ऐसे लोगों से आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उनसे तो कहना यही चाहेंगे कि ना तो पढ़ने की कोई उम्र है, और जो जो साक्षरता का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि जो एम्पावरमेंट है और जो आप इंडिपेंडेंस उसमें पाते हैं, तो वो जब आदमी चख लेता है तभी उसको पता लगता है. तो हम ये चाहेंगे कि ये जो एक मौका उनसे उन्होंने लूज़ किया उसमें वो मायूस नहीं हो, और अभी भी एक नया मौका है जो एक सेकंड इनिंग्स उनके लिए हो सकता है, तो इसको बिल्कुल पकड़ लें और साक्षरता की जो फ्रूट्स हैं उसका पूरा मजा लें. जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ी खुशी हुई कि धीरे धीरे हम संपूर्ण साक्षरता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, और अब वो दिन दूर नहीं है जब 100% लिटरेट हमारा देश भी हो जाएगा. और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और जल्द से जल्द हम ये टारगेट पूरा करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो देखा आपने कितनी इंस्पायरिंग बातें थी ना, कितना अच्छा लगा जान के कि आज लोग खुद आगे आके ये कहना चाहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम तक साक्षरता पहुंचाइए. लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ाई की, उन तक ही पढ़ाई नहीं पहुँच पाती, चाहे वो बच्चे पढ़ना चाहते भी हों. लेकिन ऐसे में कुछ लोगों के ऐसे इनिशिएटिव सामने आते हैं जिन्हें देख कर बहुत फख्र होता है कि अगर स्कूल तक बच्चे नहीं पहुँच सकते तो आप तक स्कूल पहुँचेगा. और ऐसी ही बहुत खूबसूरत एक मिसाल. आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में काकीनाडा के नजदीक इन मछुआरों को जमीन पर रहने की इजाजत कभी नहीं मिली, क्योंकि मछुआरों में भी इन्हें माना जाता है सबसे छोटी जाति का. ये नाव ही इनका घर. इन नावों को कहा जाता है ढोनी, और इन्हीं के नाम पर 300 परिवारों की इस जाति को नाम मिला ढोनोलू. इनका लोक परलोक सभी कुछ समुद्र में. अक्षर, ज्ञान, शिक्षा जैसे शब्द तो इन्होंने सुने भी नहीं. 15 दिन में एक बार जमीन पर पैर रखते, वो भी सिर्फ बाजार में अपना माल बेचने और जरूरत की चीजें खरीदने. हर बच्चा स्कूल आए, इसी मकसद से शुरू हुआ सर्व शिक्षा अभियान. गोदावरी जिले में इस अभियान को लागू करने की जिम्मेवारी DN मूर्ति पर. कई बार कोशिश की कि मछुआरों के बच्चे भी स्कूल आएं, पर नतीजा जीरो. మరి అప్పుడు చదువుకుంటారని అడిగితే మాత్రం ఏ ఒక్కరు కూడా చదువుకోము, చదువు అవసరం లేదు అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. डीएन मूर्ति हार मानने वालों में से नहीं थे. सर्व शिक्षा अभियान इनके लिए कोई नारा या स्लोगन नहीं, जिंदगी का मकसद था. छोटे छोटे उपहार जैसे घर की छोटी छोटी चीजें, पानी की बॉटल्स, इनसे शुरू हुआ आपसी रिश्तों का माहौल. अब मछुआरे और बच्चे इनसे घबराते नहीं.
पर शिक्षा के नाम पर मछुआरे अलग अलग बहाने और नई नई मांगे सामने रखते। మంచి నీళ్ళ కనీసం లేవు అని చెప్పినప్పుడు మరి వెంటనే కలెక్టర్ గారు దిగొచ్చి ట్యాప్ పెంచడానికి వెంటనే నిర్ణయాలు తీసుకున్న ట్యాప్ కూడా పెంచాం. అలాగే అక్కడ ఉండడానికి మరి సబ్టాకి సిమెంట్ కావాలి అది కూడా శాంతం హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కార్డులు ఇవ్వమన్నారు, రేషన్ కార్డులు ఇవ్వమన్నారు, అలాగే ఇల్లు కట్టాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది. డిఎన్ మూర్తిని తయకియా అగర్ బచ్చే స్కూల్ నహీ ఆ సక్తే తో స్కూల్ ఉన్కే పాస్ జాయేగా. सर्व शिक्षा अभियान का एक चेहरा बोट स्कूल। हर सुबह ये स्कूल निकलता है अपने विद्यार्थियों की खोज में। स्कूल में है टीचर, किताबें, स्लेट, खिलौने। एक नाव से दूसरी नाव अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है ये स्कूल। ఆటలాడుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటూ వచ్చిన పిల్ల 10 మంది పిల్లలతో అట్రాక్ట్ చేసుకుంటూ మిగతా బోట్ల దగ్గరికి వెళ్ళి మీ పిల్లలు కూడా పంపిస్తే ఇలా ఆడుకుంటారు చక్కగా. ఆడుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఆర్బీసీకి వెళ్ళి అక్కడ కొంచెం చదువుకుంటారు. धीरे धीरे माँ बाप तैयार हो गए बच्चों को ब्रिज स्कूल में भेजने के लिए। यहाँ इन बच्चों की पहली बार मुलाकात हुई उनसे जो इनकी अपनी जाति के नहीं थे। జిల్లాలో 791,000 మంది పిల్లలు మేము కంప్యూటర్ చేసినప్పుడు మరి ఇక్కడ 238 పిల్లలు అసలు బడిముఖం చూడకుండా ఉన్న సందర్భంలో మేము ఈ కార్యక్రమం అసలు సక్సెస్ అవుద్దని పెట్టలేదు. ఇస్ అభియాన్ కా అగ్లా కదమ్ కిసీ భీ తరహ ఇన్ బచ్చో కో సర్కారీ స్కూలో మే భర్తీ కర్నా. थोड़ी सी शिक्षा का नतीजा ये मछुआरे अपनी मछलियाँ दलालों को ना बेच खुद ग्राहकों को बेचते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। 21वीं सदी में भी आदि मानवों से जिंदगी जीते इन मछुआरों की ये पहली पहचान है सभ्यता से। इसका सहरा डीएन मूर्ति और सर्व शिक्षा अभियान के साथ। इस स्कूल की सफलता से प्रेरित होकर देश भर के मछुआरों के लिए इसी तरह के स्कूलों की योजना बन रही है। तो भाई हम तो यही चाहते हैं कि आप सफल बने, खुश रहें, जो भी करें अपनी पसंद का करें और उसमें आप खूब उन्नति करें। तो इससे पहले कि हम आपको गुड बाय कहें आज के लिए, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि कल यानी 8 सितंबर को है इंटरनेशनल लिटरेसी डे और इस मौके पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली कैंट के मानेकशॉ ऑडिटोरियम में और इसका सीधा प्रसारण आप 11:25 पर सुबह देख पाएंगे डीडी के डीडी भारती और डीडी नेशनल चैनल पर। और आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली बार तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।